गवर्नमेंट कुछ तो ध्यान दे, ऐसा क्या हमने गलती कर दी जिम इंडस्ट्री वालों ने कि आप हमारे जिम नहीं खोलने पर आ रहे हो? कहाँ से हम बिजली का बिल भरें, कहाँ से हम रेंट दें? अगर आप जिम टाइम से खोल देते तो मेरे ख्याल से लोग ठीक भी हो जाते। हम लोग आर्थिक मंदी से इतना गुजर रहे हैं कि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जो है उग्र ये धरने हो सकते हैं, आंदोलन हो सकते हैं। गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, गवर्नमेंट इन चीज़ों को रोकने में सक्षम नहीं हुई है। देश के साथ साथ दिल्ली की राजधानी में भी अब अनलॉक 2 लग चुका है। धीरे धीरे बाजार, मॉल और बहुत सारी चीजें खुल चुकी है, अर्थव्यवस्था पटरी पे आने लगी है। वहीं बात करें हम जिम की, तो जिम अभी तक नहीं खुले हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन के प्रेसिडेंट सुनील कुमार डाग जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अनलॉक 2 लग चुका है, सब कुछ खुल चुका है, लेकिन जिम अभी तक नहीं खुले हैं, क्या कारण हो सकता है? ये कोई साजिश लग रही है हमें तो। अगर जिम इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री जो है, ये जो वैक्सीन ढूंढ रहे हैं उसका अल्टरनेटिव बन सकती थी, बट हमारे जो सरकारें कहीं ना कहीं चूक गई हैं और इनके जो सलाहकार है उनकी कोई मिथ है। अगर ये डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं तो सिर्फ डॉक्टरों से सलाह ना लें, ये डॉक्टरों की भी एक साजिश है, क्योंकि डॉक्टर का और जिम इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री का एक 36 का आंकड़ा है। तो इसलिए बता रहा हूँ कोई ना कोई साजिश चल रही है। मेरे सभी सम्माननीय पॉलिटिशियनों से, चाहे किसी भी पार्टी के, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे भी जिम एक्सपर्ट जो हैं उनसे सलाह ली जाए, और जो हमने SOP आपको दिए इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन के माध्यम से, उस पर गौर किया जाए। और 4.25 महीने हो चुके हैं आर्थिक मंदी से गुजर रहे, 8 से 10 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आने वाले टाइम पे ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, या आंकड़ा ना बढ़े ऐसी दुखद जो संदेश है हमारे पास ना है। इसके लिए मेरी आपसे बारी बार गुजारिश है कि आप लोग हमारे जिम खोल दो, बिकॉज अब हम लोग आर्थिक मंदी से इतना गुजर रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम रोडों पे आएंगे, पहले भी हम धरने दे चुके हैं वो शांतिपूर्वक थे, लेकिन अब जो है उग्र ये धरने हो सकते हैं, आंदोलन हो सकते हैं। केजरीवाल जी से मेरी सबसे पहली गुजारिश है कि आप हमारे जिम खोल दो, अगर नहीं खोल रहे तो हमें कारण बताओ कि हमारा जिम क्यों नहीं खोल रहे। जिम नहीं खुल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मकान मालिक जिनके किराए पर ये जिम होते हैं, उनके मकान मालिकों के द्वारा जिम ओनरों पर दबाव बनाया जाता है कि खाली करें या किराया दें, और साथ ही सरकार की तरफ से भी लाखों रुपए का बिजली का बिल उनको देकर एक तरफ से दोहरा शोषण किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? दिल्ली का तो जी बहुत ही बुरा हाल है। जितने भी सुसाइड हुए हैं अभी तक देश के अंदर, वो लैंडलॉर्डों की जो तानाशाही समझ लो, या जैसे गवर्नमेंट के गलत रूल समझ लो, कि सपोज पहले तो बोलते भाई किराया मत लेना, लेकिन वो किराया चल रहा है, EMI नहीं जाएगी, EMI जा रही है, सारी चीज़ें तो चल रही हैं। कोई चीज़ आप, गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, गवर्नमेंट इन चीज़ों को रोकने में सक्षम नहीं हुई है। केजरीवाल जी ने बोला था कोई रेंट नहीं देगा मैं दूंगा, वो भी नहीं हुआ है। और जिम से आप देखोगे कि अगर आप जिम टाइम से खोल देते तो मेरे ख्याल से लोग ठीक भी हो जाते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो मतलब आपकी तरफ से प्रशासन या सरकार को कोई मतलब इस तरीके का आवेदन दिया गया या कुछ ऐसा बोला गया कि हमारे जिम खोले जाएं, किस इस तरीके का कुछ? सरकार से अभी तक कोई हमें पुख्ता कोई आश्वासन नहीं मिला है, सिर्फ बोला जाता है कि हाँ जी आपके जिम जल्दी खुल जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे खुद के जिम का जो है 3 महीने का 1 लाख का बिजली का बिल भेजा है NDPL वालों ने, मैं अपनी बिजली कटवा चुका हूँ। मेरे 2 मीटर हैं, 1 मीटर 1 किलोवाट से मेरा अभी ऑफिस की जो लाइट जल रही है आपको दिख रही होंगी, लेकिन जो मेरा बड़ा मीटर है 25 किलोवाट का, वो मेरा 1 लाख रुपए का बिल आया था मेरा, मैं कटवा चुका हूँ 2 महीने पहले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे पता नहीं कितने बिजली के बिल इन्होंने नजायज़ भेजे हुए, और इसके ऊपर भी हमें अब आंदोलन पर हमें आना ही पड़ेगा। बहुत सारे मुद्दे हो गए अब तो, कहाँ से हम बिजली का बिल भरें, कहाँ से हम रेंट दें, और कहाँ से अपने बच्चों को खाना दें। बिजली का बिल नहीं दे सकते हम लोग, अपना स्कूल के बच्चों की फीस नहीं दे सकते, अब तो एसेंशियल चीज़ें होती हैं उनके लिए भी अभी हमें लोगों से उधार लेकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। तो मैं इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ऐसे अनेकों लोग हैं देश के अंदर जो बर्बाद हो रहे हैं, हो चुके हैं बर्बाद, गवर्नमेंट कुछ तो ध्यान दे। ऐसा क्या हमने गलती कर दी जिम इंडस्ट्री वालों ने कि आप हमारे जिम नहीं खोलने पर आ रहे हो? ऐसा कौन सा सलाहकार है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आपने समय से जिम नहीं खोले तो मैं आह्वान करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि आप लोग अभी भी समय है, हमारी इंडस्ट्री को खोल दो, अदरवाइज हम रोड पे आ जाएंगे। और उस वक्त अगर कोई होनी अनहोनी होती है, किसी को परेशानी होती है हमारे देश के वासी, उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी की होगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपने बताया कि लोग परेशान होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं, तो आपकी फेडरेशन की तरफ से उन परिवारों को या जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिनके जिम बंद हो चुके हैं, जिनकी आर्थिक और माली हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, कुछ मदद, संभव मदद करने की कोशिश की गई? इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन का जो उदय हुआ है वो लॉकडाउन के अंदर ही हुआ है,
और इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन जो है अभी जस्ट अभी खड़ी करी है हमने, मात्र अभी हमें 2 महीने भी नहीं हुए पूरे, तो इसके अंदर अभी हम लोग इस स्थिति में नहीं है कि हम उनको आर्थिक मदद दे सकें। बट फिर भी मैंने पर्सनल ब्याप पे ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैंने करीब 1.5 लाख रुपए की मदद करी है लोगों की, किसी को 2,000, 4,000, 5,000 जैसे मेरे पास मैसेज आए थे, जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, बस सिर्फ मैसेज आता है मैं एक ट्रेनर हूँ, मुझे बहुत मतलब परेशानी है, मुझे 1,000, 2,000 आप पेटीएम कर दो। तो ऐसे हमने पेटीएम बहुत करें, 1.5 लाख रुपये तक का मैं इसके अंदर बांट चुका हूँ अपने पर्सनल उस पर। ऐसे मेरे ही साथी हैं कईयों ने बांटा है, और स्टार्टिंग में तो जिम इंडस्ट्री वालों ने बहुत राशन भी बांटा था पब्लिक को, बट हमें नहीं पता था कि हम खुद ही इस जो चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और गवर्नमेंट जो है हमको इस तरीके से फंसा के यहाँ पे हमारा शोषण कर रही है। सरकार की तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, उनकी 5,000 रुपए की मदद भी की गई। आपने सरकार से कोई इस तरह का संपर्क साधने की कोशिश नहीं की जाए की गई कि क्या नाम है, जिम मालिकों को भी इस तरीके से कोई मदद दी जाए? हाँ जी, अरविंद केजरीवाल जी को 10 जून को ज्ञापन दे के आया था मैं, 10 जून को मैंने दिल्ली सेक्रेटेरिएट पे धरना भी दिया था, और उस ज्ञापन के अंदर यही था अगर जिम नहीं खोलने तो हमें रिलीफ फंड से रिलीफ दो, हमारे जिम के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारे माफ़ करो, बिजली का बिल, पानी का बिल और हमारे रेंट माफ़ करवाओ, और हमें जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ हमें आर्थिक मदद करी जाए। ये मैंने उनको ज्ञापन दिया था 10 जून को, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। इनकी एक पीए भी है प्रीति डोगरा करके, उनसे मैं कंटिन्यू संपर्क में हूँ, बट उनका कोई भी ऐसा मेरे को जवाब नहीं आता है कि जिससे मैं आगे फॉरवर्ड कर सकूँ अपनी जिम इंडस्ट्री वालों को, कि वहाँ से मुझे कोई ठोस जवाब मिल चुका है। और ये लोग पता नहीं क्यों हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, मैं बारी बारी ये कहूँगा कि इग्नोर मत करो, हमारे कटघरे में आप ही हो सबसे पहले, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आप हमें जवाब दो, बस हमें आपसे जवाब चाहिए, नहीं तो हम रोड पे आने वाले हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ सरकारों से कि जब आप 2 महीने भी क्या कहते हैं अपनी सरकार नहीं चला पाए और आपने दारू के ठेके खोल दिए, हम ये नहीं कह रहे आपने दारू के ठेके क्यों खोले, लेकिन क्या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग थी? सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि एक के ऊपर एक बंदा गिर रहा है दारू खरीदने के लिए, 70% महंगी करने के बाद भी लोग दारू खरीद रहे हैं, बिकॉज आपको वहाँ से एक दिख रहा होगा यहाँ से टैक्स बहुत अच्छा आता है। आपने बसेस खोल दी हैं, बसेस के अंदर जाकर देख लो कौन सा सैनिटाइजेशन हो रहा है, कौन सा टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। अभी रेस्टोरेंट की आई है हरियाणा से सुखदेव, एक मैं नाम चलो गलत ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट जितने भी हाईवे पे वहाँ पे जाके हाल देख लो आप। मैं वीडियो मैं दूंगा दिल्ली दस्तक वालों को कि इन वीडियो पे भी नज़र मारे थोड़ी सी, कि वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग भर के वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर भरे पड़े, 100, 200, 300 लोग एक साथ खाना खा रहे। फिर मेडिकल की एक आई है मेरे पास ओपीडी की, ओपीडी में तो इतना बुरा हाल है कि एक तो लोग बीमार वहाँ पे ओपीडी के अंदर आए, और दूसरा किसी ने मास्क नहीं लगाया, थोड़े बहुत लोगों ने मास्क लगा रखकर वहाँ पे खड़े हुए। उस हॉल की भी मैं दिल्ली दस्तक वालों को एक लिंक दूंगा, वो भी उसको देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है इतना सब कुछ हो रहा है, जिम वाले तो वैसे ही ऑलरेडी हर चीज़ अपना हाइजेनिक रखते हैं, चाहे जिम में कोई भी वर्कआउट करता है, पुराने आप देखोगे रिकॉर्ड उठाओगे सोशल डिस्टेंसिंग पे ही वर्कआउट होता है, हर चीज़ की साफ सफाई रहती है। आप जिमों में आकर देखो, आप एक SOP तैयार करो, जो हमने आपको एडवाइजरी में भी दे रखी है SOP, उस SOP को जल्दी जल्दी तैयार करो, हमारा जिम खोल दो। उसके बाद जब आप जिम खोलोगे खुद ही देखोगे जिम तो हमारा वैक्सीन से भी ज़्यादा काम करेगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप खोलते क्यों नहीं हो, आप खोलो इसे जल्दी से। आपका अब अगला कदम क्या होगा अगर जिम नहीं खुलते हैं? अगला कदम हमारा होगा कि ओवरऑल इंडिया में हमारे आंदोलन चालू हो जाएंगे, और दिल्ली जो है उसका मुख्य आधार रहेगा, जहाँ पे दिल्ली के अंदर हम आंदोलन करेंगे, रिंग रोड पूरा हम जाम कर देंगे। ये हम आपको बता रहे हैं, ये हम कर सकते हैं और हमारे शक्ति भी है कि हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। अगर ये दिल्ली गवर्नमेंट यही चाहती है और चाहती है कि जिम इंडस्ट्री वाले रोड पर आएँ, तो इसकी भी जिम्मेदारी फिर आप ही की होगी अरविंद केजरीवाल जी। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि हमारे जिम खोल दें, वरना अगर आंदोलन में कोई भी क्षति होती है, कोई भी नुकसान होता है, चाहे देशवासियों को कोई परेशानी हो रही हो आने जाने में, या हमको कोई आपदा कोई हमारे ऊपर कोई आती है, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए मैं आपको बारी बार कह रहा हूँ कि हमारे जिम खोल दो। तो ये थे हमारे साथ सुनील कुमार डाक जी, इन्होंने बताया कि जब देश के अंदर दारू के ठेके खुल सकते हैं, बसें चल सकती है, रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, तो जिम वालों से क्या दुश्मनी, उनका भी परिवार है, उनका भी पेट है। कैमरामैन संजीव के साथ मैं राजेश तंवर, दिल्ली दस्तक।